आ चुका है। हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, आलू पराठा, पनीर पराठा और टी। मिस्टर टेस्ट करके बताइए कैसा है। पिकल्स भी हैं, पिकल्स ले सकते हो आप। बारिश हो रही है बहुत ज्यादा। हल्क बहुत ही यूनिक यूनिक सी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। गाइज आप लोग देख सकते हैं कितनी जोरों की बारिश हो रही है। अभी हम लोग घूमने जाने वाले थे, बस हम लोगों ने एक टेंपल ही विजिट किया है और बारिश बहुत जोरों की स्टार्ट हो गई है। यहाँ लोग रेनकोट पहन पहन के विजिट करने जा रहे हैं, जिसको जहाँ भी जाना है सारे लोगों ने रेनकोट पहन रखा है, क्योंकि घूमना है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। हम लोग भी चल रहे हैं, रेनकोट लेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी। बट बारिश में थोड़ा डर लगता है जाने में, बट कोई नहीं, घूमने आए हैं तो घूमेंगे। और ये आप लोग सामने देख सकते हो, ये धर्मशाला स्काई वे है, यहीं से रोप वे चलती है ना, और यहाँ से धर्मशाला जाती है, धर्मशाला से मैक्लोडगंज, बहुत वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, और बहुत इजी है। मतलब अगर आप धर्मशाला तक आए हो तो वहाँ से रोप वे के थ्रू आ सकते हो, स्काई वे से आ सकते हो। और बारिश लेकिन बहुत जोर की हो रही है, बारिश का मौसम भी है और यहाँ का वेदर तो अलग ही होता है, कभी बारिश कभी धूप, समझ नहीं आता, बट बारिश हो रही है, पता नहीं कब तक बंद होगा। अभी बारिश रुक गई है तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हम लोग वाक्चुनाग वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से वाक्चुनाग वाटरफॉल की जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है। बहुत ही अच्छा वेदर हो रखा है, क्योंकि बारिश हुई है तो बारिश के मौसम में एक अलग सा अच्छा फील होता है जाने में, बिल्कुल चिल चिल सा मौसम हो रखा है। आगे मैं आप लोग को एक्सप्लोर करूँगी जो भी है। यहाँ से वाक्चुनाग वाटरफॉल की डिस्टेंस 0.5 किलोमीटर्स हैं और यहाँ से पैदल जाना होता है, आगे कोई गाड़ियाँ वगैरह नहीं जाती, यहाँ पे पार्किंग में गाड़ियाँ जमा कर दी जाती हैं, उसके आगे पैदल ही जाना होता है। और ये जो वाक्चुनाग वाटरफॉल, जिसका जो नेम है वो मैक्लोडगंज के जो किंग है उनके नेम पे पड़ा, और ये जो रास्ता देख रहे हो इसी रास्ते से आगे जाना है और 0.5 किलोमीटर से डिस्टेंस है। और जो लोग नेचर लवर है ना, उनको ये जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत ही नेचर फ्रेंडली ये जो जगह है, बिल्कुल नेचर फ्रेंडली है, बहुत ही ब्यूटीफुल ये वाटरफॉल है। और यहाँ पे एक तरफ हाई हिल्स हैं और दूसरी तरफ आप अगर थक जाते हो तो रेस्ट करने के लिए सीट्स बनी हुई हैं, तो यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो आराम से और रेस्ट करते हुए ऊपर पहुँच सकते हो। और ये जो वाटरफॉल है, यहाँ पे बेस्ट टाइम जो विजिट करने का है वो मानसून टाइम है, क्योंकि मानसून में जो वाटरफॉल होता है ना वो बहुत हैबली होता है, बहुत मज़ा आता है देखने में, तो हम लोग भी मानसून में ही गए थे। ये जो वाटरफॉल है ये वन ऑफ द फेमस वाटरफॉल है एमंग 20 वाटरफॉल्स इन इंडिया, और इस वाटरफॉल की जो हाइट है वो 30 फिट है। इसकी सी लेवल से जो हाइट है वो 2165 मीटर है, यानी कि 7112 फिट। बहुत ही ब्यूटीफुल ये प्लेस है यार, अगर आप यहाँ आओगे ना तो आपको इतनी अच्छी फीलिंग आएगी, इतना फ्रेश फील करोगे। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ आके, मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी, और सच में यहाँ पे आप एक बार ज़रूर विजिट करना अगर कर सकते हो। बहुत बारिश हो रही है यहाँ पर, बहुत जोरों की बारिश हो रही है। हम लोग थोड़ा बहुत घूमे, जितना मतलब घूमे हैं, मतलब ऐसा नहीं है नहीं घूमे हैं, लेकिन और थोड़ी बहुत चीज़ें बच रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि पॉसिबल नहीं आगे जाना। फिर हम लोग यहीं पर फंस गए हैं बुरी तरह से, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे, वेट कर रहे हैं बारिश बंद, बहुत ज़्यादा तेज़ वाली बारिश हो रही है, बिल्कुल
मौसम बहुत खराब हुआ है, बहुत ही ज्यादा। मतलब ऐसे ट्राई कर रहे हैं यहाँ से निकलने का, हम लोग कोशिश कर रहे हैं धर्मशाला की तरफ निकलने का। अभी हम लोग प्लॉटगंज में हैं, तो यहाँ की चीजें मतलब 60% घूम लिया हम लोगों ने। बाकी हम लोग सोच रहे हैं धर्मशाला भी घूम लें, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है, पॉसिबल ही नहीं है और सारी चीजें घूमना। तो धर्मशाला वहाँ जो भी है जैसा भी है घूमेंगे, आप लोग शेयर करेंगे। हम लोग मैक्लोडगंज से धर्मशाला आ चुके हैं। हमने रास्ते में कुछ नहीं शूट किया था, क्योंकि रास्ते में इतनी बारिश हो रही थी, हम फ़ोन निकाल नहीं सकते थे, फ़ोन भीग जाता। वैसे बहुत सुंदर व्यू था रास्ते का, मुझे इतना मन कर रहा था मैं शूट कर लूँ, बट बारिश की वजह से हमने शूट नहीं किया। हम लोग बारिश में भीगते भीगते ही यहाँ तक आ गए। बहुत ही अच्छा लग रहा था, कभी बारिश कम हो रही थी, कभी ज़्यादा हो रही थी, बट कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी, सो हमने कुछ नहीं शूट किया। बहुत ही प्यारा व्यू है। अभी हम लोग धर्मशाला में हैं, पहाड़ियाँ दिख रही हैं और इतना ब्यूटीफुल लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। और अभी मैक्लोडगंज से हम लोग धर्मशाला आ चुके हैं। हम लोग अभी मैक्लोडगंज से धर्मशाला आए हैं, और बहुत बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हुआ है, एकदम ठंडा चिल्ड एकदम। बहुत ही प्यारा व्यू है, आसमान में बादल भी छाए हुए हैं, और इधर आप लोग देख सकते हैं बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, बहुत हाई हिल्स हैं इधर, और थोड़े से बादल की वजह से अच्छे से क्लियरली विजिबल नहीं है। वाओ, ये इस अच्छे से लोकेशन को अपनी आंखों में कैप्चर कर रही हैं, और मैं इसको कैमरे में कैप्चर कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है। दिस इज़ माय रूम जो मैंने बुक किया है, और ये छोटा सा फ्रिज मिला हुआ है, ये छोटू सा, और ये टीवी यूनिट है, और यहाँ लंच वगैरह करने के लिए, डिनर करने के लिए चेयर वगैरह लगा हुआ है। और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ क्या है इस रूम का, ये देखो आप लोग, और ये यहाँ बैठो आके आराम से, और ये इस व्यू के साथ डिनर करने के लिए आए हुए हैं। होटल के पास ही एक रेस्टोरेंट है, उसमें आए हुए हैं, तो ये मेन्यू कार्ड देख रहे हैं कि क्या खाना है। वैसे हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है क्या खाना है, बहुत ही अच्छा है, माउंटेन व्यू है यहाँ से। ये हमारा फ्राइड मोमोज आ गया, अभी वेज मोमोज है फ्राइड, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, अभी हम दोनों खाने जा रहे हैं इसको। बताते कैसा है, खाइए कैसा है। अच्छा, अननोन रेस्टोरेंट में यही होता है कि पता नहीं होता उनका स्वाद कैसा है। यस, पता चल जाता है तो फिर खाने में मजा आता है। चने भटूरे भी आ चुके हैं अभी, और अभी हम लोग इसको खाने जा रहे हैं। चाय भी आ गया, सो गाइज अभी हम लोग हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हैं, और बहुत जोरों की बारिश हो रही है। आप लोग देख सकते हो मैं रेनकोट पहन के खड़ी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था बारिश में। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ क्रिकेट स्टेडियम के सामने खड़ी हूँ, और ये जो क्रिकेट स्टेडियम है वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम है। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, जिसकी वजह से अभी ग्राउंड पूरी तरह से वेट हो रखा है, सो हमने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। अब हम लोग वापस स्टेडियम से अपने होटल आ गए हैं,
और अब हमारे चेकआउट करने का टाइम आ गया है, तो हमने सोचा कि होटल से इतना प्यारा व्यू था, तो हमने सोचा अपने कैमरे में इसको कैप्चर कर लूँ, और मैंने कर लिया और मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। और सच में गाइस ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, और मैं इस व्यू को अपने कैमरे में कैप्चर कर ली हूँ। और बारिश हो रही थी, अभी बारिश पूरी तरह से बंद नहीं थी, और बारिश में बाहर बैठकर ये सारी चीज़ें देखने में एक अलग सी खुशी मिल रही थी। और जो लोग नेचर फ्रेंडली है सच में उनको ये जगह बहुत पसंद आएगी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ये जगह। सो गाइस मैं अपने ब्लॉग को अब यहीं पैंड करूँगी। अगर आप लोग को ये मेरा प्यारा सा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।